कार्तिक है, तूने मुझे कैसे मार का जो व्रत है प्रथम सोमवार को आप उठा रहे हैं, सावन के महीने से, बैसाख के महीने से, मार्गशीर्ष के महीने से, जिस महीने से पहले सोमवार से इसको उठाया जाए। सुबह स्नान पूजन अर्चना कर बड़े आनंद के समय दोपहर का तीसरा पहर प्रदोष काल के समय पर शंकर भगवान की आराधना करी जाए, शिव जी का शिवलिंग का पूजन करा जाए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन कर लो, चाहे अपने घर में जो शिवलिंग है उसका पूजन कर। जिस प्रसाद को बनाओगे उसके तीन हिस्से, भगवान की आराधना पूजन अर्चना, एक हिस्सा भगवान को समर्पित कर, दूसरा हिस्सा सबको वितरण कर, तीसरे हिस्से का भाग स्वयं ले। शिव जी का चढ़ा हुआ प्रसाद पूरी रात्रि नहीं रखा रहता, खास तौर से 16 सोमवार के प्रसाद को रात भर कभी मत रखना। हम 7 दिन जो बेलपत्र यहां से आप लोगों को, कई लोगों को देते हैं, 7 दिन में 5 दिन 4 दिन जो बेलपत्र आपको मिलती है, तो ये बेलपत्र मुझसे कहते हैं रात भर नहीं रखना, इसको मिले तुम्हारे शरीर में कष्ट है, रोग है, बीमारी है, बड़े से बड़ा रोग है, लीवर किडनी कैंसर तक का रोग है, तुम्हें जो बेलपत्री दी गई है उस बेलपत्री को तुम इसी पंडाल में कहीं ना कहीं बैठकर उसको खाकर बाबा की रज को अपने हृदय से लगाकर कह कर जाना, बाबा मुझे ये रोग है समाप्त कर। जब 3 दिन कथा का बस केवल जो आखिरी दिन होता है, विराम का दिन होता है, वो बेलपत्री नहीं खाई जाती, उस बेलपत्री को तो रखा जाए, बाकी के जो बाकी के दिन की बेलपत्र होती है उसको खाते हैं। रात भर शिव पोथी पर चढ़ी हुई बेलपत्र केवल आखिरी के दिन की, विराम के दिन की बेलपत्र ही केवल लाल वस्त्र में रखने की होती है, बाकी के बेलपत्र केवल रोज की खाने की होती है, उसको रखा नहीं। नमस्कार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने गुरुजी से जाना कि हमको उपाय कैसे क्या करना है, बेलपत्र कब खाना है, कब नहीं खाना, कैसे क्या करना है। 16 सोमवार के व्रत में गुरुजी ने बताया उद्यापन कब करना है। तो आज की वीडियो में हमने गुरुजी से जाना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।